बट लाला कल जिस तरह टीम इंडिया की हमने अभी बात की है इन दोनों से, आपसे, आपने अभी ज्वाइन इन किया है, से जिस तरह कल टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बोलिंग की है, तीन बैटर्स भरपूर और फिर तीन बोलर्स भरपूर, हम फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालते हैं श्रीलंका की एंड देन आगे उसको कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं। तो ये इफ यू गाइस कैन ऐड अप विद इट, आप लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। एक्सीलेंट बॉल विद द न्यू बॉल, जबरदस्त एरिया। अच्छा जी मुशी भाई आप करते रहे साथ में यार। आप देखिए वो जो सबसे अच्छी बात जो बार बार हमारे पैनल्स करते हैं, लाइन देखें, लेंथ देखें, वो टेस्ट लाइन वाली बॉलिंग कर रहे हैं। वाज अ गुड गुड कैच एक्चुअली और लुक्स वेरी इजी। शामी को क्रेडिट देखें, लुक एट दैट बॉलिंग, एरिया चेक करें आप। और ये जो मैं बॉलिंग कर रहा था कल, शायद हम बात पता क्या कर रहे थे अभी आपके आने से पहले, दे वर स्लेजिंग, स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं ना गालियों से, वो स्लेजिंग नहीं कर रहे, अपनी बॉलिंग से स्लेजिंग कर रहे हैं। एक्सीलेंट बाउंसर मार रहे हैं टेल एंडर्स को, और ये इतना रूथलेस खेल है ना क्रिकेट का। तो आई थिंक हमें कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इंडियन ने जो ये देखा ना कितना आला स्विंग किया उसने। आई थिंक बुमराह जैसे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक एट द मून विद द न्यू बॉल, और सिराज और बुमराह और शामी तीनों की 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे। ये तीनों इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के तीन फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे। yes, वो चीज yes. इनके अंदर नजर आ रही है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा शायद कल मजेदारी की बात है, मैं अभी बता रहा था, व्यूअर्स भी जितने सुन रहे हैं, इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना, दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे पहले दिन से ये बात हो रही है, क्योंकि ये चांस जो हम चौके खाते हैं ना, हम दो बाउंसर करने के बाद कहते हैं मुंह से एक स्विंग कर दो, ये मुंह पे नहीं जा रहे। देखें अब इसकी लाइन देखिए, या बताएं आप, अब इस लाइन के ऊपर इसने पांच ओवर करने, विकेट मिले ना मिले, इसने शाम को इधर ही छोड़ के जानी अपनी लाइन। सो आई थिंक ये इनको क्रेडिट जाता है। पहले पहले स्पेल की बॉल कोई भी बॉलर कर रहा है, विकेट ले रहा है। लाल श्रीलंका को क्या हो गया, एक इतनी जबरदस्त टीम थी, और एशिया कप का फाइनल देख लें, ये कल का मैच देख लें अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल इजी। श्रीलंका जिस तरह, श्रीलंका की जो टीम इस स्टेज पे खड़ी है, यहाँ पे मैचेस जीत सकती है, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकती, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वो मैं कहूँगा कि क्योंकि मुशी भाई भी वहाँ पे लीग करा के आए, खेल के आए, वहाँ पे उस माहौल में रह के आए, प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स डेवलप भी होते हैं, उन्हें एक आर्ट, जो ये आर्ट है बड़े टीमों के खिलाफ जीतना या बड़े इवेंट जीतना, ये आर्ट है। इसके लिए आप कुछ आध मैचेस जीतेंगे लेकिन कंसिस्टेंट और बिकम अ टॉप टीम उस पर टाइम लगेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इन तीनों फास्ट बोलर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों फास्ट बोलर्स इनके रेगुलर टेस्ट के बोलर्स हैं। जब ये एक दिन में 25-26 ओवर्स डालते हैं तो ये 10 ओवर तो उनके लिए, आप उनकी, जबकि शमी की आप बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी बात करें, मगर फिटनेस का लेवल जो है दैट इज कमेंडेबल लाला। मतलब फिटनेस क्यों अच्छी है इनकी, क्यों अच्छी लग रही है आपको? क्योंकि इनको सारा साल खिलाते नहीं है, इन्हें रेस्ट देते हैं साथ में, और उतना ही वर्कलोड डाला जाता है जितना वो संभाल सके। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, फिटनेस का ख्याल रखना, आपको प्लेयर्स को सेव करना पड़ता है सवेरा। वही वाली बात है कि भाई हमारे पास होने चाहिए बेंच पे ऐसे लड़के, ना हो शाहीन, उसकी जगह कोई और लड़का हो और वो भी उसी तरह का हो। तो इतना टैलेंट तो इस 25-30 करोड़ की आबादी हमारी मुल्क की, इतना टैलेंट तो हम निकाल सकते हैं ना, है हमारे पास नीचे है टैलेंट, लेकिन जाया उसी तरीके से होता है, मसला ये है, प्रॉब्लम। नीचे लेवल पे ग्रूमिंग की हम बातें करते रहे, नीचे लेवल पे जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी, मेंटली फिजिकली, जब तक ये अंदर वाले बंदे को बड़ा नहीं करेंगे, तो आपको तो लड़ाना, आपको तो बच्चों को लड़ाना सिखाना नीचे की उम्र से सीखना चाहिए ना। हमारी तो ज्यादातर चीजें नेशनल टीम में आने के बाद बच्चे सीख रहे होते हैं, नहीं, उनको 16-17-18 साल में उनके पास शेरों का जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए, फास्ट बॉलिंग लेगेसी हमारी। एशिया कप में जब इंडिया आईपीएल से सीधा आई थी और आईपीएल के मैचेस हो रहे थे कहाँ पे, दुबई, टी20 वर्ल्ड टी20 में आई थी, पिछले आई थी, यस, बहुत फेंटा खा के गई, बिल्कुल खाया था। उस दिन मुझे याद है कि उस वक्त रवि शास्त्री के एक स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है, उसने कहा कि वी वर फटीग्ड बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट, पाकिस्तान प्लेड एशिया कप, how many people were playing Sri Lankan league, almost Naseem, six seven players were playing there, yes. वर्ल्ड हमारे लड़के हर जगह लीग्स खेल रहे थे, ऑब्वियसली वो फटीग होता है। वो जो आप बात कर रहे हैं टीम इंडिया की, उन्होंने पहले टेस्ट सीरीज खेली इंग्लैंड से,
चार मैचेस खेले और पांचवा नहीं खेला था, एंड देन आईपीएल के लिए आ गई यूएई में, एंड देन दे फीचर्ड इन दी वर्ल्ड टी20 जहां पे दे टोटली कोलैप्स्ड एंड क्रम्बल्ड, जहां पे हम 152 नॉट आउट से जीते थे. दैट वाज द टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं. उससे भी पहले जो एशिया कप हुआ था, एक एशिया कप भी यूएई में क्या हुआ था, कौन सा हुआ था, एशिया कप हुआ था, एशिया कप भी हुआ था 2022 में, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप भी हुआ था. देखिए मैं आपको बता दूं, एशिया कप में भी इनको बहुत फैंटी पड़ी थी. हाँ. सारे फटीक हुए, ये पूरा आईपीएल का सीजन करके आए थे और लड़के बहुत थके हुए थे, ये बात हमने उस वक्त भी की. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ. और उस वक्त ये आईपीएल काफी मैचेस इनके उधर भी हुए थे, उधर ही हुए, उधर ही हुए, दुबई में ही हुआ था वो आईपीएल, बिकॉज यहाँ पे इनके शायद इलेक्शंस या कुछ इशू कुछ ऐसा था. यस, तो फटीक, फटीक इज द मेजर इशू जिसकी हम बार बार बात करें, बिकॉज हमारे लड़कों ने पहले एशिया कप खेला और एशिया कप में इतना ट्रैवल किया, द मोस्ट ट्रैवलिंग साइड वॉज पाकिस्तान, और उसके बाद देन दिस वर्ल्ड कप फटीक, और फिर उससे पहले वो लीग्स जो खेल रहे थे. सो फटीक इज द मेन इशू दैट वी सी इन आवर बॉयज. इट इज ऑलवेज इन कंटेंपरेरी क्रिकेट, ये बहुत ज्यादा है. पहले तो आप देखोगे जब हम लोग खेलते थे जी, लड़कों के पेट निकले होते थे, अब वो भी खेल जाते थे. अब आपकी इतनी क्रिकेट हो गई है कि एक सीरीज खत्म नहीं होती, दूसरे के लिए आप तैयार होते हो. तो उसके लिए आपके मसल टोनिंग और आपके ये जो फिजिकल फिटनेस है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन फटीक होती है मेंटल. यस, मेंटल फटीक को आपने साइड पर रखना है. शायद ने बात की अभी उसकी, शाहीन अफरीदी की, हमने कई बॉलर्स जाया कर दिए. क्यों जाया किए, इनको ज्यादा खिला दिया, इतना खिला दिया, ओवर बॉल कर दिया, वो लड़का बिल्कुल उसमें वो जो फ्रेशनेस होती है वो चली जाती है, मोनोटनी आ जाती है. इस चीज को हमने देखना है. एंड यस, आपको एक बैकअप जरूर रखना है. जी, बैकअप हम रखते नहीं है, ये सब शॉर्ट थिंकिंग है. इसको कौन करेगा ठीक, इसको आपके प्लानर्स, इसको आपके लोकल कोचेस जो आपके हैं पाकिस्तानी कोचेस, ये आपको करेंगे ठीक. वरना याद रखें, हार जीत तो लगी रहती है. आप इतनी ट्रेवल के साथ, जिसको आपने बात की है जी, लड़कों के हैमस्ट्रिंग्स चले जाते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं होती है. और ये चीज़ें जो होती हैं, ये यही तो आपका इंजन रूम है. इस इंजन रूम को आप काम नहीं करोगे, ग्राउंड पे क्या करोगे, सातवें ओवर में अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है फिर क्या करोगे. और हमने लड़के देखे, वो लंबा सा लड़का कौन था, मुश्ताक इरफान मोहम्मद इरफान, वी डिड लुक आफ्टर हिम, वी डिड नॉट लुक आफ्टर हिम एट ऑल. ठीक है ना. अब उसकी अपनी एक डिमांड्स थी. इन कंपैरिजन उसके साथ का लड़का था जोल गार्नर, जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलना शुरू किया, उसके लिए एक्स्ट्रा बेड आता था जहाज के अंदर, उसके लिए एक्स्ट्रा वो लगाते थे जगह. हाँ. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते. मैन मैनेजमेंट, दैट इज द की. क्रिकेट तो एक हो गया कॉन्टेस्ट विद द बैट एंड द बॉल. मेरे ख्याल से बैट तो हम मोहम्मद इरफान के लिए भी जब हम ट्रैवल करते थे तो बैट स्पेशल होता था मोहम्मद इरफान, बाद में आया था. बाद में आया नहीं, मगर वो जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए मैंने हाशिम आमला की एग्जांपल दी आपको. यस, कि हाशिम आमला साउथ अफ्रीका का एक मेन प्लेयर था. अगर आपने सेट करने हो तो ना रूल एंड रेगुलेशन, समटाइम यू गॉट बी फ्लेक्सिबल. अब हाशिम आमला जो था वो फिटनेस में एबी डिविलियर्स के पास भी नहीं लगता था. उन्होंने कहा जी आपका बेंचमार्क ये है, ये एबी डिविलियर्स का ये है, क्योंकि आप 200 स्कोर कर सकते हो. यस, मगर आप ब्लीप टेस्ट नहीं दे सकते, यो नहीं कर सकते. तो ये छोटी छोटी चीजें. अब मैं इंग्लैंड के साथ आखिरी 2 साल थे ना, आखिरी 2 साल में उन्होंने पता है फिटनेस टेस्ट कैसे कर दिया था, रिलेटेड विद द फील्डिंग. वो फील्डिंग के अंदर उन्होंने ऐसी ड्रिल्स कायम कर दी थी जिसके ऊपर आपकी क्रिकेट की स्किल भी इंप्रूव हो रहे होते थे और उनकी फिटनेस का भी पता चल जाता था. सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें नहीं है. जैसे शायद ने बात की है ना कि हमारी सबसे बड़ी लैकिंग पता कहाँ से होगी, जब हम शहीन को मैच हारने की वजह से, हारिस को, शहीन को, नसीम को हर मैच खिलाते हैं ना, पता है कि डर लगता है. सबसे बड़ा मसला ये है कि हर मैच खिलाते हैं, बट विद दैट रन आउट हो गया, एक विकेट और गिर गई है, रन आउट हो गया उमर का फेवरेट प्लेयर मैक्स दाऊद, एंड 42 रन. थी क्रेडिट फील्डर को, फिर उन्होंने कुछ दुआ तो मांगनी थी ना पीछे से.